यहाँ पे क्या करना है, जो आप टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पहला नाम होगा काउंट, है ना, दूसरा होगा काउंटा, तीसरा होगा काउंट ब्लैंक, और फिर होगा काउंटिव, फिर होगा काउंटिव्स। ठीक है बच्चों, हमने बोला काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंटिव और काउंटिव्स, राइट। तो काउंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा, किसको करेगा, काउंट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, जैसे 1, 2, 3, 4। अगर मैंने यहां पे लिखा जैसे 20, 34, 34, 56, 78, कुछ भी लिख दिया इस तरह करके, राइट, मैं बोलूंगा टोटल काउंट करो, तो क्या करोगे, वन बाय वन काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। तो इस तरह से मुझे काउंट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, यहां पे लिखूंगा काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू COUNT, काउंट, ठीक है, काउंट करूंगा मैं यहां से और ब्रैकेट को ऑन करूंगा। ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहां पर मैंने पूरा का पूरा क्या किया, जो भी रेंज था उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक मिनट, डन हो गया काउंट ही। अगर लेकिन बच्चा एक बात बताओ मुझे, इस वाले कॉलम में कोई और भी नंबर डालता हूं, जैसे ये डाल दिया मैंने, तो भी देखो बढ़ रहा है काउंट हमारा, ठीक है जी, जो कोई बढ़ता रहा है काउंट, जो भी नंबर लिखूंगा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बीच में मैंने यहां पे आलोक लिख दिया, सुमन लिख दिया, अरमान लिख दिया, इस तो काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ किसे काउंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को, किसको काउंट कर रहा है, एकदम नेटवर्क में एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है ना, नेटवर्क में दिक्कत नहीं है, हेलो, चलो आप देखो यहां पे लिखा हुआ है काउंटा, काउंटा क्या करेगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को तो काउंट करेगा ही करेगा, साथ में अल्फाबेटिकल वैल्यू को भी काउंट करेगा, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा, किसको, अल्फा, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू को वैल्यू को काउंट करेगा, राइट। तो यहां पे कितना करना है, इसको इक्वल टू सम, सॉरी सम बोल रहा हूं, काउंट इफ, है ना, काउंट इफ हो गया, टोटल 20, सॉरी बच्चों, काउंटा करना है ना मुझे यहां पे, यस सर, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, देखो ध्यान से, 16 क्यों आ गया, जो 16 इसलिए आया क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू को भी काउंट किया, साथ में अल्फाबेटिकल जो था उसको भी काउंट किया, देखो तीन अल्फाबेटिकल था, आलोक, सुमन और अरमान, तो यहां पे काउंट कर लिया इसको, है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं 26, ठीक है, तो 26 यहां पे काउंट हो रहा है, बट अगर मैं लिख दूं माही, देखो माही लिखा तो वहां पे क्या हुआ, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू तो टोटल तो 16 ही था, बट न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे क्या हो गया, 12 हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो काउंटा किससे बना है, तो काउंटा बना काउंट प्लस ए से, किससे बना है, काउंट प्लस ए से, तो ए का मतलब हो गया अल्फाबेटिकल, और काउंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल, राइट। प्रिंस अपना माइक ऑफ कर लेना बेटा, क्योंकि सबको तुम्हारे सांस की आवाज सबको आ रही है गहरी वाली, ठीक है। अब यहां पे पार्ट हो गए काउंट ब्लैंक, जैसे कि भाई कितना एरिया ब्लैंक है, तो इसके लिए यहां पर जितना भी ब्लैंक होगा वो सारा का सारा ब्लैंक हो जाएगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, काउंट ब्लैंक लेंगे, और यहां पर अगर मैं पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लूं तो कितना आ गया, 10,48,560। ये टोटल क्या है आपके, टोटल की टोटल आपको ब्लैंक एरिया है, लेकिन मैं इतना नहीं लेता हूं, मैं सिंपल से करता हूं काम, काउंट ब्लैंक करता हूं, और एक बार यहां से यहां तक मान लो मैंने लिया, इतना मैं देखना चाहते कितना एरिया ब्लैंक है, यहां पे टोटल 5 एरिया ब्लैंक है, देखो 1, 2, 3, 4, नीचे भी तक लिया होगा तो 5 है, कुछ भी अगर मैं लिख देता हूं मोहन, यहां लिख दिया क्या, मोहन या मिहान जो भी है, ठीक है।
लेकिन आपको यहाँ पे ये बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा, चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं इसलिए आपको बढ़ेगा नहीं। मैंने एंटर किया, देखो ये 17 हो गया और ब्लैंक वाला क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है? 5 से क्या हो गया, घट गया, ब्लैंक वहां से रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, ओके। अब आपका बस ये काउंटिव और काउंटिव्स एक बार नोट करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। इतना नोट करो कॉपी में, आप लोग लिखो हर पॉइंट्स को। फॉर्मूला यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला लगाया मैंने इस तरह करके, ठीक है, और करो आप लोग। ओके डन। कौन वाला काउंट क्या था? चलो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू लिखा, काउंट लिखा, ठीक है। वैल्यू पूरा का पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ किया मैंने। तो इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू था हमारा 9, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डन। अब मुझे करना था काउंट अप, यहां से यहां तक सिलेक्शन कर लिया मैंने, ब्रैकेट को ऑफ किया, ये क्या हो गया काउंट अप, यानी क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, यहां देखोगे तो 14 तक आया हुआ, देखो यहां पर है ना, नंबर कहाँ तक है 14 तक है, तो ये 14 आ गया टोटल का, टोटल काउंट कर लिया इसने। अच्छा यहां पे करूंगा काउंट ब्लैंक, तभी 0, मतलब कोई भी यहां पे एरिया ब्लैंक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसे माही को हटा देता हूं, मान लो देखो एक एरिया ब्लैंक हो गया और ये भी घट गया, एक और हटा देता हूं सुमन को, देखो एक और हटा देता हूं, देखो आ रही बात समझ में, अब तो ठीक है प्रिंस बचा हुआ और क्वांटिटी बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो इसमें बनाने के लिए मैं काम करता हूं, मैं यहां लिखता हूं यहां लिखा मैंने राम, राम फिर लिखता हूं श्याम, सॉरी श्याम SHYM, श्याम 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 हनुमान,
मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इसमें कितना राम है कितना श्याम है, क्या करोगे आप लोग बताओ मुझे? मैं पूछूं भाई मुझे ये बताओ टोटल राम कितने हैं, टोटल इसमें श्याम कितने हैं, टोटल इसमें हनुमान कितने हैं? तो इस कंडीशन में यहां पे काउंट तो करना है, मैं अगर पूरा का पूरा देख लूं यहां से यहां तक तो टोटल यहां पे दिखा रहा है 29। अगर मैं यहां पे कौंटा लगा दूं, क्या लगा दूं? कौंटा। यहां पे टोटल निकालना हो मुझे तो यहां पे वैल्यू को लूंगा तो पता चलेगा यहां पर टोटल 29 है। काउंट भी कर लो 29 ही मिलेगा, आप देख लो एक बार करके देखो 30 तक गया, एक से यहां से शुरू हुआ तो दो से, तो टोटल कितने हो गए? 29 हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे बताओ सिर्फ राम कितने हैं इसमें, यानी राम का नाम कितने बार आया हुआ है, श्याम का नाम कितने बार आया हुआ है, हनुमान का नाम कितने बार आया हुआ है, याद आ रहा आपको मैंने अटेंडेंस शीट पढ़ाया था? अटेंडेंस शीट में पीपी को काउंट करते थे ना, प्रेजेंट वाले प्रेजेंट 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 है ना, अब्सेंट अब्सेंट अब्सेंट, याद आ रहा तुम्हें? तो उसको हम यहां पे करते थे। यहां पे क्या लिखना अपने को? इक्वल टू काउंट, मैंने करना है यहां पे काउंटिव। सबसे पहले पूछा रहा कि आपसे रेंज, कि रेंज क्या होगा इसका, तो मैंने यहां रेंज लेना अपने आपको, रेंज लिया मैंने, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया में या तो याद करो मैं पीस तक करके लिखा करता था, है ना? तो अभी अपने को इस तरह से नहीं करना है, अपने को क्या करना है, इसके जगह पे ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे राम को, चाहे तो या तो ये कर लो या फिर इन्वर्टेड कोमा में आप ये भी लिख सकते हो राम। तो दोनों में से कुछ भी करोगे तो आंसर एक ही आएगा, 16 आ रहा है, 16 आ गया आपका आंसर। या फिर इसके जगह पे क्या कर सकते हो, इसके जगह पे इक्वल टू लिखोगे और राम के जगह पे इन्वर्टेड कोमा भी लगाने की नीड नहीं है, बस क्राइटेरिया की जगह पे इस वाले सेल का एड्रेस दे दोगे आप और एंटर प्रेस कर दोगे, क्या गया 16 आ गया। फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे करूँगा क्या, काउंटिफ रेंज, रेंज हमारा ये वाली है, क्राइटेरिया में क्या लेंगे तो इससे हमको लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को करेंगे ऑफ और करेंगे एंटर, डन। उसके बाद है हनुमान, हनुमान के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू काउंटिफ रेंज लेंगे यहां से, ठीक है, और क्राइटेरिया में क्या करेंगे, हनुमान, तो हनुमान के लिए यहां पर सिलेक्शन कर लेंगे हनुमान का, ठीक है जी। अगर हम टोटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल अगर करते हैं यहां पर इक्वल टू सम तो आपको पता चलेगा कि टोटल यहां पर क्या 29 आ गया ना, टोटल कितना था 29 जो था, बोलो हाँ या ना, डन। यहां तक कोई डाउट है तो आगे बढ़ा दूं मैं, आगे पढ़ाऊं? ओके, अब मान लो कि मुझे राम के साथ और भी कुछ चीजें करनी है, जैसे मैंने अपने को क्या करना है, अपने को भाई राम राम लिखा हुआ है तो राम के साथ यहां पे काउंटिव का मतलब लिख देता हूं, काउंट विथ ओनली वन कंडीशन, ठीक है, काउंट करना सिर्फ एक कंडीशन के साथ, जबकि यहां पर काउंट काउंट विथ मल्टीपल कंडीशन क्या आ जाएगा, काउंट विथ मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है, या एक से ज्यादा, ये मोर देन वन कंडीशन, वी कैन से काउंट मोर देन वन कंडीशन, अगर एक से ज्यादा कंडीशन हो तो काउंटिफ्स लगाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन था, नहीं या तो राम को काउंट करो या तो श्याम को काउंट करो या हनुमान को काउंट करो, राइट। अगर मैं बोलूं यहां पर कि राम और श्याम दोनों हैं तो यहां पर इसका नाम देता हूं मैं और यहां पर देता हूं ये स्टेटस, मतलब स्टेटस ये अटेंडेंस देता हूं मान लो, तो मैंने यहां पर लिख दिया प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट 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 अब्सेंट कर देता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ, इस तरह करके करते हैं हम लोग, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, जो भी आपने लिखा है मुझे ये देखना है
कि इसमें बताओ राम कितना प्रेजेंट है कितना अब्सेंट है, मुझे देखना श्याम मतलब वह श्याम कितने हैं जो प्रेजेंट और अब्सेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को क्या करना होगा, यहां पर लिखना होगा इक्वल टू काउंट इफ्स। अब क्या बोल रहा है, अब देखो जितना भी कंडीशन होगा उस कंडीशन का अपना एक रेंज होगा, अपना एक क्राइटेरिया होगा, ठीक है। इस टर्म को समझना, सबसे पहले बोला जा रहा आपको क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि राम का पहले लेना है मुझे, ठीक है। तो राम मान लो यहाँ प्रेजेंट और अब्सेंट का कर दिया, एक लिख दिया मैंने, या तो प्रेजेंट होगा या अब्सेंट होगा, एक यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज हो गया, यहाँ पर यहाँ पे हो गया क्राइटेरिया रेंज कॉमा, क्राइटेरिया में क्या होगा प्रेजेंट होगा कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, तो रेंज टू में क्या होगा ये वाली पार्ट, ठीक है। फिर कॉमा लगाओगे आप और इस बार क्या करोगे, तो अब्सेंट को डालोगे, तो प्रेजेंट अब्सेंट कहाँ मिलेगा, तो मुझे यहाँ मिलेगा। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, पहला क्राइटेरिया ये है आपका, तो इसको यहाँ पर लेना राम को, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ये है क्राइटेरिया रेंज, और उसका क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देखो राम जो है टोटल कितना है, 7 दिन प्रेजेंट है, बाकी सारे क्या एब्सेंट। अगर मैं एब्सेंट डालू तो एब्सेंट भी साथ ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका ले रखा, एक मिनट यहाँ पे रेंज गलत लिखा हुआ, अब सही है। तो प्रेजेंट एब्सेंट इसके हिसाब से आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट 9 है और एब्सेंट कितना है 7 है, अगर एब्सेंट डाल रहा हूँ तो 7 है, राइट। यहाँ पे अल्ट डाटा रिडक्शन भी लगा सकते हो, प्रेजेंट और एब्सेंट, देखो प्रेजेंट कितने 9 और एब्सेंट कितने 7। आज चीज मैं दोबारा लगा रहा हूँ, समझना है। यहाँ पे इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट है ना इफ्स, सबसे पहला पूछा जा रहा है आपसे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में क्या डालोगे आप, तो क्राइटेरिया में डालोगे जैसे पाला वाला मतलब राम, तो राम कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा मुझे इस वाले, देन कोमा, कोमा के बाद क्या करोगे क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। तो मान लो इसको मैंने डाल दिया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद काउंट इफ में लिखने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया 1 देना है मुझे, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया 1 क्या होगा हमारा श्याम होगा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगा अटेंडेंस वाला होगा, क्राइटेरिया 2 क्या होगा तो ये वाला होगा, ठीक है। एंटर, आप देखोगे श्याम जो है अब 2 दिन अब्सेंट है, प्रेजेंट कितना है 4 दिन है, राइट। तो हमने यहाँ पे किसके निकाले, यहाँ पे 2 कंडीशन निकला है, एक तो श्याम का कंडीशन निकाला हमने, और श्याम प्रेजेंट कितना है या फिर श्याम अब्सेंट कितना है, तो एक कंडीशन श्याम है, दूसरा कंडीशन इसका अब्सेंट है, राइट। समझ में आया आप सबको ये, प्रिंस मनीष, अरे बेटा फिर से बता दो, जान लग जाता बताने फिर से। चलो देखो कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, फिर से ये काम कर रहा हूँ हनुमान के साथ भी, बोलो बजरंगबली की जय। इक्वल टू लिखा मैंने यहां पर काउंट इफ, ठीक है, और काउंट इफ लेंगे, सॉरी पहला बोल रहा क्राइटेरिया रेंज 1, तो हनुमान कहां मिलेगा मुझे, तो हनुमान इस वाले रेंज में मिलेगा, ठीक है। फिर क्या लेना है मेरे को, हनुमान लेना है क्राइटेरिया में, तो हनुमान को ले लिया मैंने। फिर क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 2, तो भाई क्या लेना है दूसरे में, प्रेजेंट अब्सेंट कहाँ मिलेगा, इस वाले अटेंडेंस में मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है मुझे, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में क्या प्रेजेंट या फिर अब्सेंट, इस वाले को मैं एड्रेस को ले लूंगा, डन, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। देखो हनुमान जो है वो प्रेजेंट मात्र 4 दिन है और अब्सेंट जो है 3 दिन है, टोटल 7 में से, 7 में से अब्सेंट 3 डेज है और प्रेजेंट 4 डेज है। अब ठीक है जी प्रिंस बाबू,